अब हम कर्व्ड मिरर का ये एक फार्मूला डिराइव करते हैं। ये फार्मूला हम पहले कॉनकेव मिरर उसके लिए डिराइव करेंगे। तो आप अपना ध्यान इस चित्र पर ले जाएं। बाईं ओर पे ये चित्र है जिसमें ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए डैश बी डैश एफ और एम डी और एफ। ये दो त्रिभुज जिसको कि मैंने लाल रंग की पेन से रेखांकित किया है, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, यानी इस इन दोनों त्रिभुज के तीनों जो कोण हैं वो समान हैं। कैसे वो हम देखते हैं। बी डैश एफ और ए कोण माने एंगल बी डैश एफ ए बराबर एंगल एम एफ डी, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद एंगल ए डैश बी डैश एफ और एंगल एम डी एफ ये समकोण है, ये 90 डिग्रीज पे है। तो दोनों त्रिभुज के अगर दो एंगल समान होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप समान हो जाता है। इसलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और एम डी एफ ये दोनों सम त्रिभुज हैं, और सम त्रिभुज होने के कारण बी डैश ए डैश बी बी डैश ए डैश बटा पी पी ले लें या डी ले लें एक ही बात है। यहाँ पर ये मैं बता देना चाहूँगा कि बिंदु डी और पी इतने इतने समीप हैं, इतने नज़दीक हैं कि हम डिस्टेंस डी पी को लगभग जीरो के बराबर, शून्य के बराबर मान लेते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेशन हम इस डेरिवेशन में करते हैं। तो ए डैश बी डैश बटा डी एम बोलिए या पी एम बोले एक ही बात हुई, बराबर बी डैश एफ बटा एफ पी। यहां पे बी डैश होना चाहिए, बी डैश एफ बटा एफ पी बोले या एफ डी बोले, हम डी और पी में कोई डिफरेंस नहीं देखेंगे इस डेरिवेशन में। हम मानेंगे कि बिंदु डी और पी मानो एक ही बिंदु है। क्यों? क्योंकि इनकी दूरियां नगण्य हैं, लगभग जीरो के बराबर है। तो ये एक फार्मूला डिराइव हुआ, बी डैश ए डैश बटा पी एम बराबर बी डैश एफ बटा एफ पी। अब पी एम जो है वो ए बी के बराबर है, ए बी इधर आपको दिख रहा है, ये है ए बी। पी एम या डी एम जो भी कहें ये ए बी के बराबर है। तो इधर दाईं ओर जो इक्वेशन बन रहा है, जिसे इक्वेशन नंबर 9.4 हम लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे बी डैश ए डैश बटा बी ए लिखा हुआ है। बी ए क्या है? ये पी एम है, पी एम और बी ए बराबर है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में दाईं ओर समीकरण के बी डैश एफ बटा एफ पी। तो ये एक समीकरण बन गया, बी डैश ए डैश बटा बी ए बराबर बी डैश एफ बटा एफ पी। ये कैसे हुआ था? ये दो त्रिभुज सम त्रिभुज हैं, उससे ये डिराइव हुआ। और दूसरी बात है एम एम डी
बराबर एम पी बराबर ए बी। ये दो बातों से, ये दो बिंदुओं से ये इक्वेशन हमने डिराइव किया। अब अगला इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम ये त्रिभुज देखते हैं, जिसे कि मैंने ब्राउन कलर के भूरे रंग के शेडिंग की है, ये वाली शेडिंग, ये देखिए, आइए आप देख रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी पी, ये बड़ा त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये भी दोनों सम त्रिभुज हैं। ये सम त्रिभुज है किस लिए? क्योंकि ए डैश बी डैश पी 90 डिग्री है और ए बी पी भी 90 डिग्री है, समकोण है, ए बी पी भी समकोण है। दूसरा है कोण ए पी बी, यानी ये वाला कोण हुआ, इसको हम नीले रंग से दिखा देते हैं, ये वाला कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश, ये कोण ए पी बी, ये कोण हो गया ए डैश पी बी डैश, ये कोण हो गया, और ये दोनों कोण समान हैं। ये क्यों समान है? क्योंकि सी केंद्र से अगर हम लंब खींचते हैं पॉइंट पी पर, तो वो त्रिज्या के बराबर, रेडियस के बराबर, वो अभिलंब का काम करता है। तो आपतित किरण ए पी, ये वाली किरण जो अभिलंब सी पी से जो एंगल बनाएगी, परावर्तित किरण पी ए डैश वो भी सी पी से उतना ही एंगल, उतना ही कोण बनाएगी। तो ये दोनों कोण समान हो गए, और ए डैश बी बी डैश पी और ए बी पी, ये दो कोण समान हो गए, इसलिए त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये दोनों सम त्रिभुज हुए। और ये दोनों सम त्रिभुज होने के कारण हम ये लिख सकते हैं बी डैश ए डैश होना चाहिए, बी डैश ए डैश बटा बी ए बराबर बी डैश पी बटा बी पी, ठीक है। तो ये दूसरा समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 9.5। तो इन दोनों समीकरणों को मिला करके समीकरण 9.6 बनता है, बी डैश एफ बटा एफ पी, बी डैश एफ बटा एफ पी बराबर, बराबर कितना है, बी डैश ए डैश बटा बी ए, इसको फिर से लिख देते हैं, बी डैश एफ बटा एफ पी बराबर बी डैश ए डैश बटा बी ए, और बी डैश ए डैश बटा बी ए है बी डैश पी बटा बी पी, तो बी डैश पी बटा बी पी, यानी बी डैश एफ पी, बी डैश एफ, बी डैश एफ बटा एफ पी, ये बराबर है बी डैश ए डैश बटा बी ए के, वो बराबर है बी डैश पी बटा बी पी के। ये आया हमारा
इधर से बी डैश ए बटा बी ए, ये दोनों में कॉमन है, इस समीकरण में भी और इस समीकरण में भी, और ये आया हमारा बी डैश पी बटा बी पी आया इस समीकरण से। तो अंत में समीकरण हो गया बी डैश एफ बटा एफ पी बराबर बी डैश पी बटा बी पी। इसको हम नीचे लिखे हुए हैं लाल रंग से, बी डैश एफ बटा एफ पी बराबर बी डैश पी बटा बी पी। इसको फिर दोबारा से लिख देते हैं, बी डैश एफ को लिख देते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी बटा एफ पी। बी डैश एफ क्या है? ये है बी डैश एफ। तो बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश पी माइनस, ये पूरा तो हो गया बी डैश पी, और इसमें से एफ पी घटा देंगे तो ये बी डैश एफ हो जाएगा। तो बी डैश एफ को लिख दिया बी डैश पी माइनस एफ पी बटा एफ पी बराबर बी डैश पी बटा बी पी। अब देखें इधर बी डैश पी जो है माइनस वी के बराबर है, बी पी है माइनस यू के बराबर, और एफ पी है माइनस एफ के बराबर। तो इनका मान जब हम रखते हैं, इनकी वैल्यूज रखते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाता है वी माइनस माइनस ऑफ एफ बटा माइनस एफ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इसके ये समीकरण के बाद आप इधर देख लें, इस तरफ देखें, यहां देखें नीचे में, तो इसको हम लिखेंगे v बाई एफ माइनस वन बराबर v बाई यू, और v बाई एफ माइनस इक्वल टू v बाई यू प्लस वन, और दोनों तरफ v से डिवाइड करें, हम भाग दें v से समीकरण के दोनों ओर, तो वन बाई एफ, ये वन बाई एफ बराबर वन बाई यू प्लस वन बाई वी। तो ये वाला समीकरण जिसे कि कर्व्ड मिरर फार्मूला भी कहते हैं, ये डिराइव हो जाता है। तो ये कॉनकेव मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा, जिसे हम बाद में देखेंगे।